उपस्थित आदिवासी अधिकार दिवस मनाने के लिए आज सभी भारत देश के मूल बीज मूल मालिक और मालिकाओं आप यहां उपस्थित हुए इसके लिए आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। आपने आज ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सुना है और भारत देश के मालिकों के हक अधिकार संवैधानिक अधिकार जो पूर्वज पुरखों की बदौलत हमको मिले हैं वो आपने यहां गहराई से सुना होगा। मैं आप तमाम साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं इस अधिकार दिवस के अवसर पर कि ये जितने भी संवैधानिक अधिकार है मेरे भाइयों ये किसी भी कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के द्वारा नहीं दिए गए हैं। ये हमारे बाप दादाओं के बलिदानों की बदौलत हमको मिले हैं और बाप दादाओं के जो बलिदानी हुई बलिदान दिए उसके बदौलत हमको जो आज हक अधिकार मिले उनको खत्म करने का काम कौन कर रहे हैं वो हमको आज समझना जरूरी है। हमको अधिकतम जो खास बातें होती है वो बातें हम सुनने की भूल कर देते हैं। अभी बबीता दीदी ने पूरे भारत देश के आदिवासियों के साथ में क्या क्या बीत रही है किस वजह से बीत रही है और उनका बचाव क्या है और उनके हक अधिकार क्या है उनके बारे में बताया। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा यह जो इलाका है इस इलाके के अंदर हमारे पातादों का राज होने के बाद भी हमारे यहां पर आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास चल रहा है, आदिवासियों का दबाने का काम चल रहा है। इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? मुख्य जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद ही हैं मेरे भाइयों। हम खुद इसलिए हैं कि हमारे गांव की कट्टा कमेटी की जो गांव सभा थी उसको हम भूल गए, भूले नहीं, षड्यंत्र पूर्वक हमारे कट्टा कमेटियों को दारू पिला करके बकरे खिला करके पैसे दे करके लालची बना दिया और उस दारू बकरा और चीजों में जो हमारे कमेटी थे वो लालची बने उसकी वजह से पुलिस बिना कमेटी के पूछे हमारे सीधे तौर पे हमारे गांव में घुसने लग गई। जब पुलिस हमारे गांव में घुसने लग गई तो हमने विरोध नहीं किया और जैसे ही पुलिस का ही अगर हमने विरोध नहीं किया बिना ग्राम सभा की परमिशन के हमारे गांव में घुसी हमने विरोध नहीं किया तो बाकी के जितने भी शासन प्रशासन के लोग थे उन्होंने सोचा न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा ये जो पावर है आदिवासियों का इस एरिया का वो इन लोगों को पता नहीं है इस वजह से ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। और उन लोगों ने वोटों के माध्यम से हमारे लोगों को कन्वर्ट करने का काम किया और वोटों को भी एक साजिशपूर्ण तरीके से लेने का काम किया। ईमानदारी से कोई भी बात संवैधानिक हक अधिकार की बात आम जन तक नहीं पहुंचाई। बोलो साथियों ऐसा हुआ या नहीं हुआ? आज का जो चिंतन शिविर हुआ इसके अंदर आपको जितने भी कानून हक अधिकार संवैधानिक अधिकार सुनने को मिले क्या आज से पहले कांग्रेस और बीजेपी के मंच से ये जितनी भी बातें कभी सुनी थी क्या आपने? उन्होंने सिर्फ ये सुनाया कि आदिवासियों के लिए इतनी करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उतनी करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वो कहां किए ये आपने सोचा? अरे मेरे भाइयों उन्होंने खर्च किए उनके पेट बढ़ाने के लिए, उनके गाल बढ़ाने के लिए, उनकी हवेलियां बढ़ाने के लिए, उनकी गाड़ियां बढ़ाने के लिए। हम आदिवासियों के लिए खर्च नहीं किए भाइयों।
इस बार मूल बात हमको यह समझने की जरूरत है, आज के इस लोकतांत्रिक देश में पूजा भीम जैसे हत्याकांड होते हैं, कन्हैया भीम जैसे हत्याकांड होते हैं, कार्तिक भीम जैसे हत्याकांड होते हैं, यही गुलाम कांग्रेस और बीजेपी के अंदर हमारे अपने समाज के लोग नेता बनकर के बैठे हुए हैं, वो बोलते नहीं है। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम उनको दारू बकरा और बोटली में साड़ी में मोबाइल में वोट दे देते हैं। अभी आपने अन्नपूर्ण योजना के तहत बैग लिए होंगे, बैग उन बैग को ध्यान से देखना, 300 रुपए का सामान भी नहीं है उसके अंदर, मिर्ची पुरानी वाली मिर्ची है, नमक के अंदर रेत डली हुई है। और मोबाइल की बात करते हैं, हम मोबाइल फ्री दे रहे हैं। आप पूरी तरह से गांव में पता करना कि जितने मोबाइल नहीं दिए उससे ज्यादा बड़े बड़े होर्डिंग्स में उन्होंने पैसे लगा करके पैसे डकार लिए हमारे नाम पे। मेरे भाइयों समझो इस बात को, हम छोटी छोटी बातों को समझते नहीं है। अरे भाई वो फ्री का लॉलीपॉप हमको दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है वो लोग धीरे 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 करके हमको मारना चाहते हैं, हमको निठल्ला बना के मारना चाहते हैं। आज अभी जितने भी हक अधिकार हमारे लिए, अभी दीदी ने बोले हमारे पूर्वज पुरखों की बदौलत कानून में पड़े हैं, उनको खत्म करने के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ी गहरी चाल चली। मीडिया के माध्यम से हमको एक माल परोसा, क्या माल परोसा आप में से ही अभी जवाब आएगा, वो कौन आई थी, अभी पाकिस्तान से कौन आई थी, अभी सबको एकदम झटके में मुंह से निकल गया, सीमा हैदर आई थी। अरे भाई गई कौन थी, गई कौन अपने यहां से, अंजू, ये भी पता है भाई। अरे भाई इधर सीमा हैदर आई, अंजू गई, फलानी गई, ढीकड़ी गई, ऐसे कर करके उन्होंने कम से कम 3 महीने निकाले। और उन 3 महीनों के अंदर पीछे से यूसीसी कानून के लिए प्रोसेस चला ली मेरे भाइयों, समान नागरिक संहिता की प्रोसेस चलाई उन लोगों ने। और उस समान नागरिक संहिता के माध्यम से आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है, हमारे गांव में हमारा राज, आदिवासियों का अपने धर्म परंपरा, पूजा पद्धति, अपनी बोली, अपनी संस्कृति, सारा सब कुछ मिटाने वाले कानून को आगे बढ़ाने का काम किया। हम तो खाली सीमा हैदर आई अंजू गई इसी में अटके पड़े हैं। अरे सच्चा भाजा ही है मेरे भाइयों, जब जब ऐसी सीमा हैदर, सीमा हैदर फलाना ढिंका टीवियों में या हमारे मोबाइल में आ रहा है, इसका मतलब हमारे आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा कुटारा घात होने वाला है, यह हमको समझने की जरूरत है। आज आर्टिकल 243 जेडसी के तहत हमारे इलाके में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद विस्तारीकरण नहीं हो सकता, नया गठन नहीं हो सकता है, उसके बावजूद हमारे साथ में सारे कानूनों को खिलवाड़ करते हुए ये यूआईटी यूडीआई पता नहीं कौन कौन से कानून के तहत हमारी जमीनी छीनने का प्रयास चल रहा है। तो ये यूसीसी नवम मसला है, इस यूसीसी के मसले में भी यही मैटर है। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से आदिवासियों की जमीन लेने का षड्यंत्र है, आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र है। मेरे भाइयों समझ जाओ, जाग जाओ। हम अभी पूरी तरह से यूसीसी कानून को समझाने में आम जन तक पहुंचे भी नहीं थे। और दूसरी बात फिर आ गई, वन संरक्षण अधिनियम 2023, वन संरक्षण अधिनियम 2023, उसके अंदर आदिवासियों के इलाके के अंदर जो वन क्षेत्र है, वन भूमि है, उस वन भूमि पर ग्राम सभा के पावर को छीना जा रहा है। मेरे भाइयों हमारे गांव की जमीन, हमारे सीमानी की जो जमीन है,
उसको छीनने के लिए ग्राम सभा की परमिशन जरूरी होती है। ग्राम सभा की पूर्व मंजूरी के बगैर न कलेक्टर हमारी जमीन ले सकता है, न राज्यपाल ले सकते हैं, न राष्ट्रपति महोदय हमारे ले सकते हैं, कोई भी सरकार हमारी जमीन नहीं ले सकती है बिना ग्राम सभा की परमिशन के। तो वो जो ग्राम सभा की परमिशन के जमीन नहीं ले सकते हैं, उस पावर को खत्म करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 2023 नाम से हमारे बीच में एक अधिनियम लाया जा रहा है। हम उससे भी अनजान है। अरे मेरे भाइयों, ऐसे पता नहीं कितने सारे कानून आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए रातों रात बनाए जा रहे हैं। रात में कोर्टिंग चालू चल रही है। अब हमको इसका समाधान ढूंढने की जरूरत है या नहीं है? कितने जने सहमत है तो हमको ये ऐसे खराब कानून बनाने वालों को, जो खराब कानून बन रहे हैं उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। अगर आप समाधान चाहते हो तो आपके पास में 1.5 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं। आप चाहते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी बच जाए, ये चाहते हो तो ये अमित भाई खराड़ी और यहां के जितने भी साथी आज जी जान से काम कर रहे हैं, सारा सब कुछ भूल करके इनका साथ दो, कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए। ये मैं आपके बीच में कहने आया हूं। साथ किस तरह का देना है? हमारे उस घर तक पहुंचाइए जो आज भी बीजेपी का गुणगान कर रहा है। उसको बताइए ये यूसीसी के नाम पे हमारे आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वन संरक्षण अधिनियम के नाम पर आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात उनको समझाइए, उनको बताइए कि मानगढ़ धाम पर आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों को बुलाया जाता है और आदिवासी के नाम पर आरक्षण के नाम पे कुछ नहीं बोला जाता है, ओबीसी को दिया जाता है, ओबीसी को बोला जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। ये बात हमारे आम जन तक पहुंचाइए। हमारे पास समय कम है मेरे भाइयों। ये जो कांग्रेस, ये जो बीजेपी है, ये सबसे बड़ी काले नाक की तरह हमारे बीच में एक एक को डसती जा रही है, एक एक गांव को डसती जा रही है, एक मोहल्ले को डसती जा रही है। आज हम उदयपुर वाले ये सोचते हैं कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, प्रतापगढ़ वाले ये सोचते हैं कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, डूंगरपुर वाले सोचते हैं कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, बांसवाड़ा वाले ये सोचते हैं कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, पूरे देश के मालिकों के साथ में आज गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के अंदर आदिवासियों को खत्म करने के लिए एक सबसे बड़ा हमारा पावर था TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद। वो इन लोगों ने, इन हरामखोरों ने, इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने इनके कब्जे में ले लिया और गलत तरीके से हमारे समाज के संवैधानिक हक अधिकारों को तोड़ते हुए आज उनके कब्जे में लेकर के आज कुंडली मार करके मुख्यमंत्री महोदय उस पद पर बैठ गए हैं। अरे भाई, हमारी जमीन पर आज मुख्यमंत्री महोदय गलत तरीके से कुंडली मार करके बैठा है। आपको गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किस किस को आ रहा है भाई? बोल ही नहीं रहे, मेरे को लग रहा है गुस्सा आ रहा है। आ रहा है? अरे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा बताइए। अरे वसुंधरा जी ने हमारे पद को छीना, दूसरी बार गहलोत जी ने हमारे पद को छीना, इस बार वसुंधरा और गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस और बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ती है उनके सुपड़े साफ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए मेरे भाई? अरे बदला लीजिए मेरे भाइयों, बताइए कि हमारे बाप दादाओं का अधिकार है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वो हम कब्जे में लेकर के रहेंगे। इसके लिए प्रतापगढ़ जाग गया है, प्रतापगढ़ के अंदर हमने तैयारी कर ली है, बांसवाड़ा के अंदर तैयारी जारी है। उदयपुर पीछे क्यों चल रहा है भाई? आप भी कमर कसिए और इस बार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो सिटी है उन सीटों में एक तरफा केवल और केवल आदिवासी समुदाय का दबदबा नजर आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना है मेरे भाई।
बात, बाकी की सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक ही ध्यान हमको लगाना है। कोई दारू रहता है ले लीजिए, ना नहीं कहना है, क्योंकि ना कहोगे तो बार बार आपके पीछे पड़ेंगे। कोई बकरा देता है तो ले लीजिए, ना नहीं कहना है। कोई पैसे देता है तो ले लीजिए, ना नहीं कहना है। कोई झंडी लगाने का बोलता है तो अपने हड़ा में, हमारे वहां जो गाय भैंस बाहर निकालने का होता है उसको हड़ा यू कहते, तो उसके अंदर लगा दीजिए। कोई लोटी उठवाता है, सौगंध खिलवाता है तो लोटी उठा करके सौगंध भी खा जाते, तेरे माँ बाप का सत्यानाश हो, बोल दो उसको। ऐसे बोलते तो ना है, लेकिन इन भ्रष्टाचारी लोगों को, हरामखोर लोगों को वोट नहीं देना है इस बार। वोट केवल और केवल हमारी समाज की जाजम से तय किया हुआ जो आदमी होगा उसी को हम वोट देंगे, ये चीज इस बार करके बतानी है। अगर इस बार आपने ये कर दिया, इस बार आपने ये टाइम संभाल लिया, तो हमारे समाज का एक इतिहास बन जाएगा। वो इतिहास क्या होगा आपको ध्यान में होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य हमारे पूरे भारत पर राज कर लिया था, लेकिन आदिवासी इलाके के अंदर जैसे ही उन्होंने राज करने का प्रयास किया, उल्टे पांव भागना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल की अंग्रेजी नीतियां हमारे इस इलाके के अंदर दबाव डाल करके हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया, अंग्रेजों को भी उल्टे पांव भागना पड़ा। राजा रजवाड़ी व्यवस्था हमारे इलाके में आई, उस इलाके ने भी, उस राजा रजवाड़ी व्यवस्था ने भी हमारे ऊपर राज करने का प्रयास किया, तो उनको भी उल्टे पांव भगाया। अब वो जो राजा रजवाड़ी वाली व्यवस्था है, वो अंग्रेजों वाली व्यवस्था है, वो मुगल काल वाली जो व्यवस्था है, वर्तमान में हमारे आदिवासियों के ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के वापस वही नीति लागू करना चाहती है। और वो बात अभी आदिवासियों को समझ में आ चुकी है, क्या हमको इस बार इनको उल्टे पांव खदेड़ना चाहिए या नहीं खदेड़ना चाहिए? खदेड़ना चाहिए तो चुप मत बैठिए मेरे भाइयों, राजनीति एक कर दीजिए। इस डेढ़ महीने के अंदर घर घर तक पहुंच करके हमारे लोगों को जगा करके उनको बताइए, हमको वोट इस बार किसी भी हालत में इन नागड़े लोगों को नहीं देना है। उनको बता दीजिए कि हमारे इलाके में अगर गलत तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करोगे तो नाड़े वाली चड्डी पहन करके जरूर आना भाई, कौन सी, क्योंकि अंदर वो रबर वाली होगी तो वो तो निकल जाएगी, है ना, नाड़े वाली होगी तो कम से कम आपका इज्जत बचाने के काम में आएगी, सही बात है कि नहीं? इसलिए इनको पहले से ही ऐसा बता दो, ऐसा माहौल तैयार करो ताकि ये अंदर घुसने से पहले 10 बार सोचे, इधर आदिवासियों का इलाका है, ट्राइबल टेरिटरी है, और ट्राइबल टेरिटरी में ट्राइबल ही टाइगर है, आदिवासियों के इलाके में आदिवासी ही टाइगर है, ये बात इस वाले चुनाव में हमको बतानी है। मेरे भाइयों, आपने ये जो आज का आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया, ये कोई मामूली काम नहीं किया है, आपने हमारे समुदाय को जगाया है। अगर आपका यह डंका जोरों से चलने लग जाएगा तो उदयपुर से कारवा डूंगरपुर की तरफ अपने आप बढ़ जाएगा, प्रतापगढ़ तक अपने आप बढ़ जाएगा, हमारे आगे रतलाम, हमारे झाबुआ अलीराजपुर तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन आप यहां से मजबूती से खड़े होइए, उदयपुर उदय खराड़ी का है, प्रतापगढ़ बाबरिया भील का है, बांसवाड़ा बांसिया चरपोटा, डूंगरपुर डूंगर बरंडा, गलियाकोट गलिया डामोर, हलम्बर सोनारा भील, हमारे बाप दादाओं के राज घराने थे ये, राजा रजवाड़े हम राजा थे, फिर से राजा बनना है। डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा, डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा, वायरे वात खाएगा, पानी वैसाएगा, बड़द नो पार उतरेगा, वगर रोड़ी गाड़ियों सालेगा, एवा टाइम माते कालिया तमारो राज आवेगा। ये टाइम आ गया है मेरे भाइयों, संभाल लीजिए,
भील राज कायम करना है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके को एक होकर के भील प्रदेश बनाना है तो इस बार के चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके छोड़ना है हमको, ये बात ध्यान रखना। आप तमाम साथियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, आपने ये कार्यक्रम आज सफल बनाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा दूंगा, जय जोहर का नारा है, ये भारत देश हमारा है तो आवाज भी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, किस तक जानी चाहिए, उन तक तो जानी चाहिए लेकिन उन तक भी जानी चाहिए, आदिवासी पहले आया है या पुलिस थाना, कौन पहले आया, आदिवासी पहले आया, कलेक्ट्री पहले आई या हमारा बाप दादा पहले आया है, ये धर्म के तुमड़े जितने भी हैं, धर्म धतुरे, ये पहले आए हैं हमारे बाप दादाओं की पूजा पद्धति, हमारे बाप दादाओं की पूजा पद्धति, तो ये जितने भी बाद में आए हैं, पामणे आए हैं, उन तक आवाज जानी चाहिए कि ये देश आदिवासियों का है, भील आदिवासियों का है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हमारे यहां से भी आवाज सुन लीजिए। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, उदयपुर कलेक्ट्री तक आवाज नहीं गई है, आवाज जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हम बाद में आए, वो कहां से जाएगी, यहां पर आया हुआ है प्रशासन सुनने के लिए, उनको ढंग से सुनाइए भाई, कभी कभी मौका मिलता है सुनाने का, है ना। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अरे तीर कमान आदिवासी, अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, अरे बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासियों को बचाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासियों को बचाना है, आदिवासी बचेगा तो ही बाद में आए हुए लोग बचेंगे, वो उनके दिमाग में गलत फहमी है, ये आदिवासी और आदिवासियत बचेगी तो ही बाद में आए हुए लोग बचेंगे, ये उनकी गलत फहमी है, वो आदिवासियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही खत्म हो जाएंगे, ये उनको पता नहीं है मेरे भाई। आप तमाम साथियों को